दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार अब एक बड़ा फैसला करने जा रही है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अब हर महीने 3,000 रुपये महीना अब देगी और इसके लिए सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाया है। सरकार के द्वारा लगातार किसानों के हित में कई कदम उठाए जा रहे और सरकार चाहती है किसान खुद स्वावलंबी बने और पैसों को लेकर कोई उनके पास दिक्कतें ना हो। तो दोस्तों वीडियो में पूरी जानकारी देंगे किस तरह से सरकार आपको हर महीने 3,000 रुपये देगी। तो दोस्तों वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें। तो दोस्तों जैसा कि आपको पूरी तरह डिटेल में ये जानकारी दे दें, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए कई योजनाएं चला रही है और उनमें से एक है किसान मानधन योजना। तो दोस्तों इस योजना के तहत 60 साल की उम्र पार कर चुके किसान जो है आर्थिक सहायता इसमें प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर जब किसान बुढ़ापे में खेती करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र की सरकार ने किसान मानधन योजना शुरू की है और छोटे और सीमांत किसानों यानी SMF को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जो है 12 सितंबर 2019 को ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY शुरू की गई थी और इस योजना के तहत किसानों को प्रतिमाह 3,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है और इसमें आपको प्रतिमाह 55 रुपये का प्रीमियम देना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। किसान चाहे किसी भी उम्र में इस योजना का हिस्सा बने, उन्हें 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रतिमाह जमा करना होगा और उसके बाद 60 साल की उम्र पार करने के बाद किसानों को 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं और इससे वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ऐसे में जब देश के अन्नदाता आर्थिक तंगी के कारण मौत के मुँह में समा जाते हैं, योजना जो है किसान भाइयों के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकती है। और किसान मानधन योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर या फिर उससे कम जमीन है। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। दोस्तों इस योजना में आवेदन कैसे करना है, तो बता दें कि आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत खसरा खतौनी और बैंक खाता पासबुक होना अनिवार्य है। साथ ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले किसान मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और या तो आप साइबर कैफे की मदद भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको होम पेज पर जाकर लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद किसानों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और इसके बाद इसमें मांगी गई आवश्यक जानकारी को देनी होगी और इस तरह से दोस्तों आप किसान मानधन योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपये की राशि जो है प्राप्त कर सकते हैं और इस योजना का लाभ जो है 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान जो इसमें पंजीकरण करवा कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको और भी काम की जानकारी लगातार मिलती रहे।